गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सब सरस्वती विद्या मंदिर बरबोचना बतिया क्लास नाइन्थ इकोनॉमिक्स इन पालमपुर गांव की कहानी। स्टूडेंट दिस इज द 14th वीडियो ओवर पालमपुर गांव की कहानी एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ चैप्टर दिस इज द 3rd वीडियो विच गोइंग टू बी डिस्कस द वेरियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर टूडे। हियर again some important question of this chapter which need to be understood by all of you. That's the first question: what is meant by sustainability of development? Sustainability of development kya hai ya iske maayne kya hain? To sustainability ka matlab hota hai ki sustain can be maintained. Sustainability refers that process which can be maintained in future. So what is meant by sustainability of development? It means that ki jo developmental process or criteria hum abhi apnaye hue hain wo kya hum bhavishya mein jari rakh sakte hain, kya bhavishya mein hamari vikas ki raftaar aisi hi rahegi. To abhi to corona sankat mein hum log dekh rahe ki jis रफ्तार से हम विकास कर रहे थे जीडीपी 7 और 8% से बढ़ रहा था लेकिन सडनली इस पे ब्रेक लग गया। ये अभी एक वैश्विक महामारी के कारण है लेकिन ये भी संभव हो सकता है कि इस तरह की परिस्थितियां हमें तब भी सामना करना पड़े जब हमारे रिसोर्सेज जो हम यूज कर रहे हैं वो खत्म हो जाए या फिर बहुत तरह के अन्य चीजें हमारे सामने आ जाए। तो What is meant by sustainability of development का मतलब है कि हमें इस पर पूरे पुनः विचार करना होगा कि sustainability of development is necessary because development जो process हमारा है वो future में बना रहे उसका लाभ future पीढ़ी को मिले इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि the developmental process which is adopted by an economy should be इको फ्रेंडली शुड बी मेंटेन इन फ्यूचर एंड शुड बी सस्टेनेबल दस देयर कैन इट इज बेनिफिटेड फॉर फ्यूचर जनरेशन। फॉर इसके लिए अब हम क्या कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी के लिए? तो सस्टेनेबिलिटी के लिए जैसे वी डाइवर्ट अवर एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम अवर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज टू कन्वेंशनल, जैसे हम लोग सोलर एनर्जी विंड एनर्जी हाइडल एनर्जी इन सब पे जा रहे हैं क्योंकि वो जो है उसके बाद से हम एग्रीकल्चर सब्स्टिट्यूट खोज रहे हैं सी फूड की ओर जा रहे हैं। उसी तरह से हम वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करके उसको जो है वो उसके सस्टेनेबल सोर्सेज को हम यूज करना करने के उपाय ढूंढ रहे हैं। तो सस्टेनेबिलिटी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लौट रहे हैं एग्रीकल्चर में ताकि भूमि की फर्टिलिटी बनी रहे। हम जो एक्सर्शन है वायुमंडल में उन गैसों को कम करें ताकि हमारे जो हवा की क्वालिटी है उसमें सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। तो व्हाट इज मेंट बाय सस्टेनेबल सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट? तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट मींस दैट टाइप ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस व्हिच कैन बी मेंटेन इन फ्यूचर फॉर फ्यूचर जनरेशन एंड दैट प्रोसेस ऑल्सो should be eco-friendly. Second है, what may be development for one may not be development for the other. Explain with suitable example. यानी एक का विकास दूसरे का विकास कैसे नहीं हो सकता है और इसको एक example से देखिए। अभी development की जो बात है तो development ये ensure करता है, हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि it may not be development for other person because the development refers that thing which must ensure the enhance the quality of life standard of the peoples of that particular area. Yani development jo hai vikas jo hai wo us particular area mein sabhi logo ke jeevan mein gunvatta purn sudhar ke liye ye sunishchit karta hai, that is development. Lekin कभी कभी हमें ऐसा देखने को आता है कि अभी रूरल डेवलपमेंट अभी जो अर्बन डेवलपमेंट थे हमारे
अभी तो रूरल एरिया से लोग माइग्रेट करके अर्बन एरिया को गए, वहां पे उद्योग धंधों को डेवलप किया, लेकिन इसके बदले हमारे रूरल एरिया में जो है डेवलपमेंटल प्रोसेस स्लो थे। जैसे किसी कारखाना के लगने से, फैक्ट्री के लगने से उत्पादन तो बढ़ता है, किसी को जॉब मिलता है, रोजगार मिलता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, तो दैट इज डेवलपमेंट। लेकिन उस कारखाने से जो जहरीली गैसें और धुआं और जहरीले पदार्थ निकलते हैं, उनसे हो सकता है कि किसी गरीब का जीवन जो है, जो बस्तियों में रहता होगा, उसका प्रभावित हो सकता है। हम बड़ी बड़ी बांध योजनाएं बनाते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, बड़े बड़े कारखाने चलते हैं, तो एक ग्रुप हो सकता है कि बेनिफिटेड हो, लेकिन उस गांव में या उस नदी के आसपास या उस बांध के बनने के कारण जो लोग विस्थापित होंगे, उनके सामने जो रोजी रोटी की समस्याएं आएंगी उनके, तो इट इज मतलब इंटरडिपेंडेंट विथ ईच अदर। कि एक तरफ जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट दूसरे पे पड़ सकता है, इसलिए कहा जाता है कि एक का विकास दूसरे का विकास नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये विकास का मूल अर्थ नहीं है। विकास का द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज दैट इट मस्ट इंश्योर द एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एवरी पीपल विदाउट एनी डिफरेंसेस। और इसके लिए हमें डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के बारे में समग्र रूप में सोचना होगा, यानी कि दोज पर्सन वी हैव टू बी थिंक अबाउट दोज पर्सन हु आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, एंड ऑल्सो वी हैव टू थिंक ओवर दोज पॉपुलेशन विच आर गोइंग टू बी एडवर्सली इम्पैक्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रोल नीड एंड वेरियस सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। देखिए रोल तो हम बता देते हैं, रूरल क्रेडिट का रोल बहुत बड़ा है एग्रीकल्चर में, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट में, एग्रो बेस इंडस्ट्री में, सभी तरह से रोल तो बहुत ज़्यादा है। और रूरल एरिया में खास करके कैश की कमी होती है, तो वहाँ पे रूरल क्रेडिट का बहुत ज़्यादा महत्व है। नीड क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि हरित क्रांति के बाद से कृषि में बड़े पैमाने पर रूरल क्रेडिट का की आवश्यकता हुई है, खाद के लिए, बीज के लिए, सिंचाई के लिए, कृषि उपकरणों के प्रयोग के लिए। उसके बाद से इसके वेरियस सोर्सेज क्या है, तो रूरल क्रेडिट का जिस तरह से महत्व बढ़ा है, जिस तरह से उसकी आवश्यकता बढ़ी है, अगर हम उसके सोर्सेज के ओर ध्यान दें तो हम पाते कि ओनली 35% सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट केम फ्रॉम ऑर्गेनाइज सेक्टर, वेदर द 65% सोर्सेज वर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, सेठ महाजन साहूकार है, और जो कि उनका बहुत तरह से एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो एक्सप्लेन द रोल, रोल रूरल क्रेडिट का रोल रूरल एक्टिविटीज को बढ़ाने का है, रूरल रिसोर्सेज को डेवलप करने का है, रूरल एग्रीकल्चर को डेवलप करना है, रूरल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का है, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स को डेवलप करने का है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का है। तो रोल, देयर आर वास्ट रोल ऑफ रूरल क्रेडिट, नीड ऑफ रूरल क्रेडिट स्पेशली फॉर नॉन फार्म एक्टिविटीज एंड फार्म एक्टिविटीज। फार्म एक्टिविटीज में तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से बहुत ज्यादा उसका नीड बढ़ गया है, नॉन फार्म एक्टिविटीज को एक्सेलरेट करने के लिए भी रूरल क्रेडिट चाहिए। लेकिन जहां तक बात सोर्सेज की हम करते हैं, तो सोर्सेज वर नॉट एनफ एंड नॉट सो ऑर्गेनाइज्ड इन रूरल एरियाज, ओनली 35%। सो 35% रूरल क्रेडिट सोर्सेज वर केम फ्रॉम ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड 65% स्टिल इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। दस एवरीवन हैव टू बी मेक ड्यू अटेंशन दैट इन रूरल एरिया there should be enhance the number of organized or commercial bank institution, organized sectors ka rural credit mein yogdan badhna chahiye। Fourth,